हेलो दोस्तों, मैं हूं बिंजीर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। शाम के टाइम है और संडे है, निकल पड़े हैं हम कहीं जाने के लिए है, इसीलिए गाड़ी का वेट कर रहे हैं। हाई स्ट्रीट से हमें हमारा टैक्सी मिल गया और आज सुबह से थोड़ा बहुत काम था तो अमायरा को लेकर हम लोगों ने खेलने के लिए कहीं नहीं लेके गए, बस थोड़े देर के लिए हाई स्ट्रीट लाए थे। और हाई स्ट्रीट क्योंकि आज खुला था तो अमायरा ज़्यादा खेल नहीं पाए, तो इसलिए सोचा कि शाम के टाइम में हम लोग कहीं और जाएंगे इसे लेकर खेलने के लिए। तो ये है अपटाउन मॉल। अपटाउन मॉल में एक प्ले एरिया है बच्चों का, बहुत ही अच्छा है। पिछले दिन हम देख के गए थे लेकिन टाइम की कमी की वजह से नहीं जा पाए थे, तो आज सोचे थे कि आज हम जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अमायरा को देंगे। तो आ गए हैं हम अपटाउन मॉल में। ये मॉल बहुत ही सुंदर से सजाया गया है और फिलहाल हम लोग जाएंगे थर्ड फ्लोर। और ये रहा वो ही ट्रेन जो पिछले दिन हम लोगों ने चढ़ा था और उस दिन हम लोगों ने ब्लॉग नहीं बनाया था तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो इस बार ट्रेन का पिक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिए। यहाँ पर है किडजोना नाम के एक प्लेइंग स्टेशन जहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे तरह से खेलते हैं। यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप किया जाता है, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है और बहुत ही अच्छा प्ले जोन है। और हमारा देखो अभी से कितना ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा है। और ये बेबी अंदर जा रही थी तो गेट ओपन हुआ और हमारा देखो रोना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे आके पहले हमारा शू हमें खोलना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमें दो बॉक्स दिया गया था, दो बॉक्स में हमने अपना और हमारा का शू यहाँ पे रख दिए। और यहाँ की जो रेट है वो है 380 पेशो, एक बच्चे के साथ एक गर्जियन फ्री है और एक गर्जियन अगर जाना चाहे तो 100 पेशो एक्स्ट्रा लगता है। और हमारा देखो आते ही स्लोपिंग की तरफ जाने की कोशिश किया लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रखी है, क्या करे, एक बार वेजिटेबल की ओर जा रही है, एक बार बॉल पकड़ रही है किसी और के साथ खेलने की कोशिश के, उसके बाद फिर उसने बकेट उठा लिया वेजिटेबल के लिए, लेकिन नहीं, उसको तो फिर से स्लोपिंग में ही जाना है क्योंकि ये उसका सबसे फेवरेट वाला गेम है। तो गिरते पड़ते किसी भी तरीके से वो आ गए हैं स्लोपिंग में। और ये देखो इसे कुछ बोलना नहीं पड़ता है कि एक के बाद एक करो, ये करो, वो करो, वेट करो, कुछ नहीं सुनती है ये, बस अपना ही करते जाते हैं। और यहाँ पे देखो कैसे क्रॉलिंग कर रही थी मेरी बेटी, सब कुछ आता है, मुझे देख के लगता है कि कितनी बार कर चुकी होगी, लेकिन ये वाला चीज़ उसके लिए कितने बार, एक दो बार किया होगा फिर भी उसको पता है। और यहाँ पे जो एरिया है ना बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत ही बड़ा, बहुत सारे बच्चे खेल सकते हैं और गार्जियन को बैठने के लिए बहुत बढ़िया जगह दिया गया है। आप कहीं पे भी अपने बच्चे को छोड़कर आराम से बैठ सकते हो। अगर आपको बैठना नहीं है, आपको भी उन लोगों के साथ इंजॉय करने हैं तो आप लोग भी इंजॉय कर सकते हो। सब बड़े बच्चे भी खेल रहे हैं, उसके माँ बाप भी खेल रहे हैं और सारे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं। और यहाँ की जो सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारा जो लड़का लड़कियाँ होते हैं ना जो यहाँ पे काम करते हैं वो सारे लोग हैं, तो हेल्प के लिए भी सब आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर भी हम बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा, कोई ना कोई उसके साथ रह चुकी थी। और ये देखो ये यहाँ पर ज़ाइलोफोन बजा रही थी, बहुत प्यारी सी बच्ची थी तो मैंने उसका पिक्चर ले लिया। और ये मायरा आ रही है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे एक ऐसे मेमोरी गेम था, बॉल गेम था, बहुत सारे गेम्स था, मैं क्या बताऊँ, इतनी सारी गेम्स और इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है ना यहाँ पे तो। और उसको उसने कभी इस रस्सी से भी नहीं चढ़ा और वो देखो कितनी आसानी से चढ़ रही है, मुझे तो लग रहा था कि गिर जाएगी। फिर शुप्रे ने कहा नहीं, थोड़ा सा उसको हिम्मत दो, देखना वो कर पाएगी। देखो बस निकल लिया। तो ये सारी जो जगह है, ये सारी जगह से आप किसी न किसी स्लोपिंग की ओर जाते हो और इंजॉय करते हो। तो देखो ये भी पता है उसको कहाँ जाना है। और ये आ गई वहाँ से, ये देखो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पे मतलब ऐसे भी गेम थे जहाँ पे बड़े बच्चे छोटे बच्चे इकट्ठे भी खेल रहे थे तो कोई परेशानी नहीं हो रहा था। और इसने हेयर ड्रायर उठा लिया है अभी, तो उसको पता है कि हेयर ड्राई कैसे करता है। और अभी ये यहाँ पे किचन में आ गई है, मैंने उसको थोड़ा सा वेजिटेबल देके हेल्प किया कि कुकिंग करने के लिए। तो अभी ये देखो ये वेजिटेबल कट कर रही है, कट करने के बाद ये कुकिंग करेगी।
फिर इस ये वाला चीज़ जो उसने किया ना, मुझे इस गेम की नहीं पता है क्या है, लेकिन इसके साथ एक के साथ एक कनेक्शन जोड़ा जाता है और एक व्हील घुमाते ही सारे व्हील घूमते हैं। ये वाला चीज़ अमायरा कर पाएगी ये मैं सोची भी नहीं थी। पूरा सर्किल उसने पूरा किया, पूरा एक एक करके फिक्स किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये यहाँ पर खुद के लिए चाय परोस रही थी। मैंने बोला मुझे दे दो, ये दोनों कप खुद ही खा लिए, पी लिए, सॉरी। तो भी और यहाँ पर ये अपने पापा के साथ क्ले से खेल रही थी, और फिर से उसको सारे गेम खेलने के बाद उसे फिर से याद आया कि नहीं 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 मुझे तो स्लोपिंग में ही जाना है। और ये सिलसिला एक के बाद एक चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं था और टाइम हमारा ख़त्म हो रहा था। तो हमने बोला चलो लेट्स गो अमायरा, लेकिन अमायरा ज़्यादा परेशान नहीं करती है किसी भी जगह से आने के लिए, तो वो आराम से चली आई। और हम लोग अभी 8 ही बजने वाला था और इसको भूख भी लग गई थी और इसने दोपहर को भी सोई नहीं थी। तो हम अभी यहाँ से टैक्सी मिल गया हम लोगों को, टैक्सी की ग्लास थोड़ा डर्टी है, एडजस्ट कर लीजिए। फिर हम आज जा रहे थे घर और इसका फेस देखो कितना ज़्यादा ग्लो कर रही थी, इतना ज़्यादा खुश हो गई थी, इसने सोचा भी नहीं था हमारे पूरे दिन इसके लिए डेडिकेटेड होगा। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैं उसका फ़ायदा उठा रही थी। तो चलो दोस्तों हम आ गए हैं घर, इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो जाने से पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन रोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। टाटा दोस्तों।